विदर्भ के पंढरी कहे जाने वाले बुलढाणा जिले के शेख गांव के श्री संत गजानन महाराज की पालकी आज सुबह पंढरपुर के लिए रवाना हो गई है। इस पालकी में घोड़े 500 ध्वजवाहक शामिल हुए और यह पैदल सेना के युद्ध का 54वां वर्ष है। ये पालकी गन गन गनात बोती और हरी नामा का जाप करते हुए अत्यंत भक्तिमय वातावरण में निकली है। पालकी को देखने के लिए कल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु शेगांव में प्रवेश कर रहे थे। सुबह मंदिर में श्री के चांदी के मुखौटे का पूजन कर ये पालकी रवाना हुई। नागजारी रोड स्थित युवराज देशमुख के खेत में चाय की रस्म के बाद श्री की पालकी पंढरपुर के लिए रवाना होगी। पालकी नागजारी जाते हुए पारस में रुकेगी। इसके बाद पालकी निमकाड़ा के गांव भोरड होते हुए अकोला शहर में प्रवेश करेगी। पालकी 2 दिन अकोला में रुकेगी और वहां से वाड़ेगांव होते हुए पंढरपुर जाएगी। 27 जून को पालकी श्री क्षेत्र पंढरपुर पहुंचेगी और पालकी 27 जून से 2 जुलाई तक रुकेगी। 3 जुलाई को श्री की पालकी वापस रास्ते में निकलेगी। 23 जुलाई को खामगांव में रहने के बाद श्री की पालकी 24 जुलाई सोमवार को मेहरी यानी शेगावी पहुँचेगी। हे महाराजांचं साधारण 54वं वर्ष आहे। शेगावचं संस्थान ज्याप्रमाणे जगात विख्यात आहे आपल्या स्वच्छतेसाठी, एका शिस्त पालनासाठी, त्याचप्रमाणे या पालखी सोहळ्यात देखील त्याचं दर्शन घडवलं जातं। या पालखीतले वारकरी टाळकरी म्हणा, तसेच टाळ मृदुंग वाजवणारे अतिशय भारावून किंवा मायेने हे सगळं काही करत असतात। तसंच या हिचं हे 54वं वर्ष आहे। त्याचप्रमाणे आपल्याला माहिती असल्याप्रमाणे शेगाव संस्थानचे सगळे नियमांचे पालन इथे होत आहेत। वारकरी मृदुंग वाजवत, तसे टाळकरी टाळ वाजवत, महाराजांना जणू म्हणजे एखाद्या मुलीची जशी मिरवणूक काढली जाते माहेरी नेताना असं म्हणतं, त्याप्रमाणे नेत आहेत। अतिशय पवित्र असं वातावरण आज शेगाव नगरीत आहे। तसंच वारकऱ्यांचा पोशाख अतिशय सुंदर इथे, अतिशय एक मनमोहक किंवा एक शिस्तीचा असं एक प्रत्येकाचा पांढरा पोशाख इथे त्यांनी परिधान केलेला आहे। अतिशय उत्तम नियोजनाने तसेच नियोजनपूर्वक कार्यक्रमानुसार ही आजची पालखी किंवा या वर्षीची पालखी शेगावहून पंढरपूरकडे आज प्रस्थान होत आहे। NBC न्यूज के लिए अभिषेक पानसी, ब्युरो रिपोर्ट।